असम के बाद अब नेपाल में भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर बहने वाली नदियां उफान पर हैं। और तो और यूपी में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बता दें कि यूपी के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और ऐसे भी कई जिले हैं जहां गांव पूरी तरह पानी में डूब चुका है। वहीं सैकड़ों गांव ऐसे भी हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। आंकड़ों की बात करें तो कुल 650 गांव और 18 लाख के करीब आबादी बाढ़ से पीड़ित है। बाढ़ की वजह से लोग गांव और घरों से पलायन कर रहे हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थानीय प्रशासन बाढ़ से राहत और बचाव कार्य में जुटा है। SDRF की टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित गांव और ग्रामीणों को हर सुविधा मुहैया कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि यूपी में बाढ़ से 18 लाख की आबादी प्रभावित हो गई है। 650 गांव प्रभावित हैं। इनमें से आधे गांव या तो मैरून हो गए हैं या फिर उनका संपर्क मार्ग कट गया है। यूपी में 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इसमें 33 तहसील के 633 गांव शामिल हैं, जिसकी करीब 17,97,000 की आबादी प्रभावित है। इसमें 18,000 से अधिक मवेशी भी प्रभावित हैं। इसमें 1,45,000 से अधिक हेक्टेयर कृषि भूमि भी प्रभावित है। इन इलाकों में 923 से अधिक बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। वहीं 1,033 से अधिक बाढ़ शरणालय बनाए गए हैं जहां बाढ़ से प्रभावित लोग रह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया है तो वहीं उन्होंने प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर बाढ़ कंट्रोल रूम 24/7 आवर एक्टिव मोड पर रहने और बाढ़ से राहत और बचाव के लिए तत्काल सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय की तरफ से बाढ़ से प्रभावित जिलों में 113 बेतार केंद्र स्थापित किए गए हैं।